Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, हम कोई भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हो किसी भी मेथड से, अभी मैंने मेथड नंबर 1 कराया, फिर 2 कराऊंगा, फिर 3 कराऊंगा, किसी भी मेथड से कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि अगर ओल्ड बैलेंस शीट यानी कि ओल्ड फर्म की बुक्स में अगर कोई पहले से गुडविल अपीयर कर रही है, ओल्ड फर्म की बुक्स में अगर कोई पहले से गुडविल अपीयर कर रही है, उसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल, तो उसको सबसे पहले बुक्स में से आउट कर दो। जब तक उसको आउट नहीं करोगे तब तक नए पार्टनर से आप शेयर ऑफ गुडविल मांगने के हकदार नहीं। पहले पुरानी गुडविल को खत्म, और खत्म करने का तरीका होता है ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब एसेट को जीरो कर देते, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। जो पुरानी गुडविल एसेट साइड पर पड़ी होगी उसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे और इसको ओल्ड पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर, जैसे मैं अब तक एग्जांपल ले रहा हूँ, ए और बी दो पार्टनर है, 50-50 उनका शेयर है, तो ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, आदि आदि गुडविल जितनी भी बुक्स में पड़ी, जितनी भी बुक्स में पड़ी है, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, कितनी भी पड़ी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। जितनी गुडविल पुरानी बुक्स में पड़ी है को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करो। पहले राइट ऑफ करो, फिर उसके बाद नए पार्टनर से कैश लेकर उसको बांटो, या जो भी केस होगा उसके हिसाब से चलेंगे, बट पहले पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में राइट ऑफ। ओके okay?